ओम शांति। 29 जनवरी 77। अव्यक्तवाणी, मधुबन की महिमा। नॉलेजफुल, निराकारी, निर्विकारी बाबा मधुबन निवासी बच्चों से बोले, सभी सदा खुश होना। जो तीनों कालों के राज को जान गए तो राजी हो गए होना। कभी भी कोई नाराज होता है अर्थात ड्रामा के राज को भूल जाता है। जो सदा ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है तो वही राजी रहेगा ना। नाराज होने का कारण राज को नहीं जानना है। तीनों कालों के ज्ञाता बनने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वह सदा राजी और खुश रहता है। मधुबन निवासी अर्थात सदा खुश और राजी रहने वाले। दूसरे से नाराज होना अर्थात अपने को राज जानने की स्टेज से नीचे ले आना। तख्त छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल। नॉलेजफुल की स्टेज एक तख्त है, ऊंचाई है। जब इस तख्त को छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए। मधुबन को स्वर्ग भूमि कहते हो ना, यह तो मानते हो। मधुबन स्वर्ग का मॉडल है तो स्वर्ग में माया आती है क्या? इसकी भी अविद्या होनी चाहिए कि माया क्या है। स्वर्ग में माया का ज्ञान नहीं होता है। इस भूमि को साधारण समझने के कारण माया आती है। मधुबन वरदान भूमि को साधारण स्थान नहीं समझो। मधुबन की स्मृति भी समर्थि दिलाती है। मधुबन में रहने वाले फरिश्ते होने चाहिए। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की दीवारों की महिमा तो नहीं है ना? मधुबन निवासियों को सारी दुनिया किस नजर से देखती है? विश्व अब तक भी याद के रूप में कितनी ऊंची नजर से देखती। भक्त भी मधुबन निवासियों के गुणगान करते हैं। ब्राह्मण परिवार भी ऊंची नजर से देखता है। अगर आपकी भी इतनी ऊंची नजर हो तो फरिश्ता तो हो ही गए ना। मधुबन निवासी यज्ञ निवासी भी कहे जाते हैं। यज्ञ में रहने वालों को अपनी आहुति डालनी है तब फिर दूसरे फॉलो करेंगे। यादगार के यज्ञ में भी आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। यहाँ भी सदा मनमनाभव मंत्र स्मृति में रहे तब आहुति सफल होती है। मधुबन निवासी तो निरंतर मंत्र में स्थित होने वाले हैं। सिर्फ बोलने वाले नहीं लेकिन मंत्र स्वरूप हो। अभी तो बाप ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है तो अपने को रियलाइजेशन कर चेंज किया। सभी ठीक है? कोई ठीक कहता है तो बाप दादा तो कहते हैं मुख में गुलाब। कहने से भी ठीक हो ही जाएगा। कमी को बार बार सोचने से कमी रह जाती है। कमी को देखते खत्म करते जाओ। चेक करने के साथ साथ चेंज भी करो। कोई कमाल करके दिखाना है ना? इतने समय में जितना भी साथ मिला कमाल की, कोई ऐसा काम जो कमाल का गाया जाए या करते हुए भी भूल जाते हो। अपने को सदा गुणमूर्त देखते ऊंची स्टेज पर स्थित रहते रहो। नीचे नहीं आओ। सुनाया था ना
कि जो रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं वह कब धरती पर मिट्टी पर पांव नहीं रखेंगे। यहाँ देहभान मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ, इस मिट्टी से सदा दूर रहो। संकल्प से भी देहाभिमान में आए, अर्थात मिट्टी में पांव रखा। वाचा कर्मणा में आना, अर्थात मिट्टी खाली। रॉयल फैमिली के बच्चे कभी मिट्टी नहीं खाते। सदा स्मृति में रहो कि ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं आएगी। पुरानापन तो स्वप्न से भी खत्म कर देना है। जो योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा होगा, उनका स्वप्न भी नई दुनिया, नई जीवन का होगा। जब स्वप्न ही बदल गया तो संकल्प की बात ही नहीं। मधुबन निवासियों के स्वप्न भी श्रेष्ठ, बाप दादा भी उसी नजर से देखते हैं। मधुबन निवासी नाम की महिमा है, जो अंत समय तक भी नामधारी सिर्फ नाम पर अपना शरीर निर्वाह करते रहते हैं। नाम की इतनी महिमा है तो मधुबन निवासियों का नाम ही महान है। जब नाम की इतनी महिमा है तो स्वयं स्वरूप की क्या होगी। अच्छा, सभी संतुष्ट तो हो ही। अच्छा, ओम शांति।